ठीक से ही नीलाद्री महोदय सुत संहिता स्कंद पुराण एवं वामदेव संहिता माने एमती अन्य केतेक जगन्नाथ सम्बन्धीय ग्रंथ रे प्रभुंकर नीति मध्ये एते बहुल जे ता रात्रि शेष पर्यंत मध्ये समापन होई पारे नाही। तेणु एणु किछि नीति गजपति एवं धर्माचार्य बा शंकराचार्य केतेकंक मतामत को एवं सेवायत मानक धर्मनिहित विचार बोध अनुसारे किछि किछि नीति को महाप्रभुंकर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्र हारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवन भवानी सहितं नमामि। महाप्रभु जो दारु ब्रह्म मूर्ति प्रणव तनुधर सर्व वेदांत सारं भक्तानां कल्प वृक्ष भव जल तरणी सर्व तत्वानु तत्त्वं सीधानां योग मूर्ति हरिहर नामित श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरो वयं सकल सुविदितं साक्तं तत्त्वे च शक्ति बौधानां बुद्ध साक्षात्रे सव मुनिवर जैन सिद्धांत सारं सेयं नीलद्रिनाथं भव भय हरणं माधव पातु नित्यं। हरिः ॐ सहस्र शिरे कापुरुक सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठद सांगुलं जहांकर सहस्र सहस्र मस्तक। किंतु जी सहस्र सहस्र पाद विशिष्ट से पुण्य पाणी पाद से ही महाप्रभु सारा जगतर मंगल करंतु एतिके आमे प्रार्थना करिवा महाप्रभु को ये मंगलमय दिवस रे मंगल समय रे मंगल मुहूर्त रे हे प्रभु देख सावधाने ज्ञान नेत्र फेई तुम मध्ये बड़ सान केही नाही काहेकि ना जो प्रेम भावे जार अंतर पूरित सर्वप्राणी हृदय ता हृदय अंकित। अर्थात महाप्रभुंकर ए मंगल आरती की देखला बेलकु मने हेउची सते जेबुति संकट माने कृष्ण सूर्य सम माया हय अंधकार जहां कृष्ण तहां नहीं मायार अधिकार एठारे माया मोह रात्रि ये समस्त विगत ए प्रातः मुहूर्त को आउरी आग को अनुप्राणित करौची महाप्रभुंकर ए चंद्रमा मन सोजात सख्यो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। महाप्रभुंकर ए सुंदर भावरे देखुचंती आपण माने आळती जो आळती जाको नाद तत्व कहा जाए भजन जहाँ शब्द तत्व कहा जाए उभयों मिलन रे जो शब्दर उच्चारण हुए जहाँ को प्रणव जहाँ भगवान मुखर पंचजन्य शंखर उत्पत्ति बोली ध्वनिर तत्व कहा जाए तेरे नाद बिंदु और शब्द हेतु श्री जगन्नाथ मंदिर रे एभली एक शंखध्वनि सृष्टि हुए जहाद्वारा कि श्रीमंदिर शंखध्वनिर आवश्यक पड़े ना केवल पूजा समय रे सामंत सेवक माने पूजा कार्य रे गोटे शंख व्यवहार करती तेणु श्रीमंदिर शंख बाजे ना एवं यही क्षेत्र जहाँ को शंख क्षेत्र बोली कहा जाए तेणुक महाप्रभुंकर ये आलती निर्गत हो